दोस्तों शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के पहले एपिसोड में एक कमाल का स्टार्टअप आया था जिनका बिजनेस बढ़िया था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी थी और तो और फाउंडर्स में भी काफी दम था, लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें फंडिंग नहीं मिली। क्यों भाई, उनसे क्या कोई गलती हो गई या फिर कहीं हमारे शार्क्स ने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट डील मिस तो नहीं कर दी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ में कुछ खुफिया जानकारी भी मिलेगी जिसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग बटन दबाया था ना, हुआ है ना रिकॉर्ड? ये तो मैं किस स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा हूँ ये तो आपको पता चल ही गया होगा, टाइटल जो पढ़ लिया, सो स्मार्ट। तो शार्क टैंक में आए राहुल सचदेवा और धीरज बंसल अपने स्टार्टअप रिकॉर्ड स्टूडियोज के साथ। इनका स्टार्टअप ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल्स के जरिए अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। इसके अलावा इनकी एक मार्केट प्लेस